गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। आज मैं आपको एक एनालिसिस बताता हूँ। आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जीएस प्रिलिमरी में, फर्स्ट पेपर में, और उसमें 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी भी कोचिंग सेंटर, चाहे वो मुखर्जी नगर का, राजेंद्र नगर का, कहीं पे भी है, वो स्किप करते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन, इसका मतलब ये होगा कि आप 70 क्वेश्चन में से आपने करते हैं आप, इसलिए आपका ये अनप्रडिक्टेबल है। और उन 25 से 30 क्वेश्चन में बहुत सारे करंट अफेयर्स के होते हैं जो रेयर क्वेश्चन है। मैं आपको बीच में बताऊंगा जब रेयर क्वेश्चन आता है, और मैंने तो अपने 70-80 वीडियो में कई रेयर क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके स्टडी मटेरियल में किसी में नहीं मिलेंगे, सिर्फ न्यूज़पेपर में। तो मैं चाहता हूं कि आप 100 के 100 क्वेश्चन करने के लायक हो, ना कि 70, तब आपके 110 प्लस आएंगे, 110 प्लस। तो ये बहुत बढ़िया एनालिसिस मैंने किया है, क्योंकि तो पिछला पेपर देख के 2-3 साल का, किसी भी कोचिंग सेंटर, कोई भी कोचिंग सेंटर ये ध्यान नहीं देता कि प्रिलिमरी में जो है बच्चा कैसे पास होगा। वो सब मेन और प्रिलिमरी इकट्ठी तैयारी कराते हैं। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, इसलिए बच्चे जो है घबराते हैं, चाहे वो अलाइड में है, चाहे वो आईपीएस में आ गया, चाहे उसने इंटरव्यू दिया है, वो बच्चे प्रिलिमरी से बड़े घबराते हैं। तो हम इसका सोल्यूशन लेके आए, तो अब चलते हैं द हिंदू के क्वेश्चन पे। अब ये बिजनेस पेज पे और इकोनॉमी पेज, बिजनेस पेज हिंदू का और इकोनॉमी पेज इंडियन एक्सप्रेस का, 99.9% एस्पिरेंट्स नहीं पढ़ते, इसलिए मैं ये निकाल के लाऊंगा। न्यूज़ कैसे निकालते हैं ये चेक करो। देखो, इंडिया विल बी द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर, कॉटन की इसमें न्यूज आ गई एग्रीकल्चर रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन निकाला है मैंने। अब ये देखिए, चाइना का नंबर 1 है, नंबर 2 इंडिया का है कॉटन प्रोडक्शन में, और एरिया में इंडिया का नंबर 1 है, ये इसमें लिखा हुआ आर्टिकल में, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। पीएम मित्रा, ये भी स्कीम इसने बताई है इसी आर्टिकल में। दिस स्कीम इज टू सेटअप मेगा टेक्सटाइल पार्क एंड प्रमोट वैल्यू चेन इन कॉटन एंड कस्तूरी कॉटन भारत। ये भी मैंने पहली बार सुना है ब्रांड, और आपने भी पहली बार सुना होगा। ये कुड बी ट्रेसेबल यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड वुड बी कार्बन पॉजिटिव। ये कस्तूरी कॉटन भारत जो है, ये एक सर्टिफिकेशन है, ब्रांडिंग है क्वालिटी की। टेक्स प्रोसिल, ये भी मैंने पहली बार सुना है, हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर ट्रेसिबिलिटी सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग ऑफ कस्तूरी कॉटन इंडिया। तो कस्तूरी कॉटन आ जाएगी आप इमीडिएटली, अब कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज वो जो 25-30 क्वेश्चन थे साफ हो जाता आपका। अब ऐसे ही देखो, टी प्रोडक्शन पाया, कुछ ना कुछ आता रहता है, एक दो क्वेश्चन रोजाना इंडिया की टी प्रोडक्शन अलग। इस आर्टिकल में एक दो क्वेश्चन निकाले मैंने, लेकिन इसमें काफी क्वेश्चन। एक तो अंदाजा आपको ये होगा कि पहले तो ये देखिए, साउथ इंडिया में जो है कौन सी टी होती है, जैसे सीटी सी ज्यादा है, ऑर्थोडॉक्स टी आसाम, वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग में है। ये क्वेश्चन देखिए आप, मैंने कैसे निकाला है, ये 3 स्टेटमेंट गलत है, मैं इनको ठीक करता हूँ। टी बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए स्टेचरी बॉडी, जितने भी बोर्ड है, चाहे रबड़ बोर्ड है, टी बोर्ड है, कोई भी है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में है। हेडक्वार्टर ऑफ टी बोर्ड इज इन कैलकाटा, देन वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट, नो इट इज आसाम, आसाम इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, एंड टी इज बेस्ट ग्रोन इन एसिडिक सॉइल। यस, जिन सॉइल्स की पीएच कम होती है वही टी ज्यादा अच्छी होती है। ओनली 3 स्टेटमेंट्स, ओनली ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, नो दिस इज ओनली 1 स्टेटमेंट हेयर इज करेक्ट, 3 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। देन ऑपरेशन 1027 जी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द न्यूज पेपर इन म्यांमार, जो डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहे हैं जुनता से, मिलिट्री जुनता से। अब ये स्टॉक है, स्टॉक टेक मैंने आपको बताया, जैसे जैसे जो ग्लोबल स्टॉक टेक, ये बार बार आ रहे हैं। देन बेसिक ग्रुपिंग में कौन से कंट्री हैं, इससे क्वेश्चन निकाल दिया मैंने। देखिए आप, इस बड़ा जो है, इट इज ए जीएसटी इज ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। यस, ट्रू स्टेटमेंट इज बेसिक ग्रुपिंग सेट, जीएसटी शुड ऑल्सो अकाउंट फॉर फेलोज ऑफ डेवलप्ड नेशन। बेसिकली जो है डेवलप्ड नेशन का फाइनेंस और टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराना है टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये मैं छोटी सी न्यूज थी, ये स्टेट सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं कि हमारी जो है यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेटिव यूएन एम्बेसडर रुचिरा कंबोज, देन दिस इज इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन एम्बेसडर रुचिरा कंबोज। देन देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, पहले फर्स्ट पेज पे पहली न्यूज है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के, ये वर्ल्ड के जो ना डेडलीस्ट कहते हैं इसको, ट्रेजेडी हुई थी। देखिए क्वेश्चन निकाला है मैंने इसमें, तो ये आपको पता ही है भोपाल गैस ट्रेजेडी का 1984 में हुई थी। देन
गैस इज इंपोर्टेंट, विच वॉज दैट गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस वॉज देयर वेयर मोर देन 5 लाख पीपल वर अफेक्टेड एंड मेनी किल्ड। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये ज्ञान स्कीम है, देखिए इसमें से क्वेश्चन निकाला है। मैं रोजाना एक दो क्वेश्चन स्कीम का लेके आता हूँ, प्रोजेक्ट का, गवर्नमेंट की जो स्कीम है। ज्ञान जो है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स इज टू इनवाइट एमिनेंट स्कॉलर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू टीच एट इंडियन यूनिवर्सिटीज। दिस द राइट स्टेटमेंट, थर्ड इज द राइट स्टेटमेंट, अदर थ्री आर रॉन्ग। ये वैशाली एंड प्रनंदा, ये जो ना चेस के हैं, आप सभी को पता है, ब्रदर सिस्टर हैं। अब डिजीज का एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, डिजीज का एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके प्रिलिमिनरी में, हर बार आया हुआ है, कभी हेपेटाइटिस बी पे आया, कभी मीजल्स पे, कभी पोलियो पे आएगा जरूर एक क्वेश्चन। अब तो ये इसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कौन कौन सी डिजीज है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, वो बैक्टीरियल है या वायरस है, कैसे है। तीसरा, ये पता होना चाहिए उसके सिम्टम क्या है और उसकी वैक्सीनेशन की डोज कितनी है, कब कब दी जाती है, ये सारा आपको पता होना चाहिए, ये पूछ लेते हैं। अब इसमें स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस सी इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारी डिजीज जो है यूआईपी में इंक्लूडेड है। जब बीसीजी पे देखिए आप, एक साइंस में आर्टिकल आ रहा है, साइंस में एक जनरली एक हेल्थ पे आर्टिकल आता है डिजीज पे, हर संडे को हिंदू में। अब ये कह रहे हैं कि अडल्ट में जो ना ट्रायल्स कर रहे हैं, जिसमें इंडिया के 23 स्टेट मान गए, यहाँ ट्रायल करेंगे हम भी, और ये ट्रायल करने जा रहे हैं कि टीबी के अगेंस्ट जो ना, क्या हम अडल्ट में भी 16 साल के बाद भी बीसीजी वैक्सीनेशन, री वैक्सीनेशन कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये वैक्सीनेशन अदरवाइज बर्थ पे की जाती है। देखिए क्वेश्चन, अब इसमें जो है चारों स्टेटमेंट गलत है, ये आपने ठीक कर दिया। देखो, वन डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट टीबी। बीसीजी वैक्सीन जो है ये इंट्राडर्मल दी जाती है, स्किन के अंदर से लगाई जाती है सुई, और ये अडल्ट को नहीं दी जाती, सिर्फ बर्थ पे। अभी अडल्ट के लिए ट्रायल किए जाएंगे, और बीसीजी वैक्सीन जो है वायरस डिजीज के अगेंस्ट नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट है। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड विद हीट किल्ड वायरस। अब इसी तरह से मैंने एक हेपेटाइटिस पे डाल दिया अपनी तरफ से, अपने नॉलेज से ही डाल दिया मैंने ये। इस तरह के क्वेश्चन आपके पहले पूछे हुए भी, आगे भी पूछ सकते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीन, यस इट इज इन यूआईपी, यूआईपी में भी हेपेटाइटिस बी इज द मोस्ट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू, यस हेपेटाइटिस बी ज्यादातर मदर से चाइल्ड को जाता है, जो होता है ना बच्चों में पीलिया होता है वो यही है। देर इज करंटली नो इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस, यस इज एक्यूट स्ट्रेस, हेपेटाइटिस सी का कोई इलाज नहीं है वैक्सीन से। देन हेपेटाइटिस बी इज इंक्लूडेड इन इंडियाज, अंडर इंडियाज यूआईपी, यस ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये जो न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस में इकोनॉमी पेज पे है, ये यदि मैं आज नहीं लेके आता तो 100% बच्चों का गलत होता क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी पेज कोई पढ़ता नहीं, और बड़ी ही जो है इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब न्यूज इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे रेयर क्वेश्चन जो है जो आप टच नहीं करते, 100% बच्चे गलत करके आते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, चीजें स्टेचुरी अथॉरिटी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि नया लागू हुआ है, इशूड गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न। आप डार्क पैटर्न पूछ रहे, आपको समझ नहीं आएगा कि डार्क पैटर्न किससे रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसके लिए ये। देन बास्केट स्निकिंग क्या है, जैसे पूछ लिया आपको बास्केट स्निकिंग, आपको पता ही नहीं चलेगा ये डार्क पैटर्न, मिसलीडिंग पैटर्न है ये ई कॉमर्स में। देन सीसीपीए हैज आइडेंटिफाइड 11 सच मिसलीडिंग डार्क पैटर्न्स, 11 है, तीन चार और करने जा रहे हैं ये। फोर्स रिडक्शन इज आल्सो ए मिसलीडिंग डार्क पैटर्न, ये भी फोर्स रिडक्शन, बास्केट स्निकिंग, ऐसे 11 है ये, वो तीन और जोड़ने जा रहे हैं ये। तो आपको सारे याद होने चाहिए, ये आपके प्रिलिमिनरी में एग्जामिनर इसलिए देता है ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाओ। इसमें तीनों स्टेटमेंट दिए हैं, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज में 11,000 गीगावाट 2030 तक होने चाहिए ग्लोबल लेवल पे इंस्टॉल कैपेसिटी रिन्यूएबल की, ये एक कमिटमेंट है सभी कंट्री। देन इंडिया की क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको, कई बार पूछ लेते हैं। 2030 बार बार आता है, रोजाना अखबार में आता है, नॉन फॉसिल फ्यूल से हमारी जो 2030 तक कैपेसिटी है वो 5,000 गीगावाट, 500 गीगावाट, सॉरी 500 गीगावाट होनी चाहिए, और 23 तक हमारी करीब करीब 170 गीगावाट हो चुकी है। ये डाटा आपको इंपॉर्टेंट डाटा है, ये रोजाना अखबार में आते हैं। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये ऐसे स्टेट सर्विसेज में पूछ लेते हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, तो रोजाना आते हैं न्यूज पेपर में, उर्सुला वोन डेर लेन। सीरिया प्रेसिडेंट विद्यार्थियों, मैं ऐसी इनोवेटिव अप्रोच लेके आया हूँ कि मुझे चिंता है आपके प्रिलिमरी की। देखिए आप बहुत अच्छे हैं अपने आंसर राइटिंग में, आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छी, आप ऐसे बहुत अच्छा लिखते हैं, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, लेकिन प्रिलिमरी क्लियर नहीं होगा तो कैसे पहुंचेंगे? कोई ऐसा सेंटर नहीं है, ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है इंडिया में जो आपको प्रिलिमरी में पार करा दे।
सब ये देखते हैं, जो प्रिलिमरी करने के बाद हमारे पास आएंगे हम उसकी पिक्चर छाप देंगे। प्रिलिमरी में 110 प्लस की मैंने स्ट्रेटजी बना के आपको दी है। रोजाना एक तो टेलीग्राम चैनल पे 2 मिनट लगाने हैं आपने, जो आपको फ्लैश किया गया है इस पे स्क्रीन पे, ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन रोज दे रहा हूँ, उसके लिए मुझे चाहे 1 घंटा लगाना पड़े आपके। और उसमें मैं 5-6 ऐसी न्यूज डालता हूँ जो आपको मेन में काम आएंगी। सपोज आपको 10 मिनट आए न्यूज पेपर पढ़ने की, 10 मिनट में वो न्यूज पढ़ लो आप, मेन का भी काम हो जाएगा। प्रिलिमरी के मैं 100% क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, जितनी वीडियो मैंने अभी तक बनाई है उसमें 100% कोशिश करता हूँ। सपोज आपने प्रिलिमरी के लिए कोई पेपर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आपके 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कराऊंगा। तो तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि ये वीडियो जो है सब्सक्राइब कीजिए आप। मैं देख रहा था कि एक वीडियो जो है बहुत बड़ी ब्रांडिंग जो है इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली की, राजेंद्र नगर की, मुखर्जी नगर की, उनकी 1 घंटे में जो है 1-10 हजार की व्यूइंग है। मेरी 1 घंटे में आती है 30-40 क्वेश्चन मैं देता हूँ इंडिया में सबसे ज्यादा। बताओ आप खुद, आप देखिए जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वे बच्चे करिए कि कितने क्वेश्चन कौन से इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, 1 या 2 दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हमने पहले दे दिया तो मॉक टेस्ट इस चीज का लेंगे। और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको मॉक टेस्ट भी आपको डालना शुरू करूंगा जनवरी फरवरी से, अच्छे मॉक टेस्ट जो कि किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बताता हूँ, कॉमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिए कि सर ये मेरे को क्वेश्चन इसमें नया मिला, इस न्यूज में आपने नहीं दिया, आई विल बी वेरी हैप्पी। इंटरेक्शन से आएगा, जितना आप डिस्कस करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी। थैंक यू वेरी मच।